नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में आतंकवाद पर देश के बहादुर जवानों ने करारा प्रहार किया और अब से थोड़ी देर पहले सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अहम जानकारी दी है। सेना के मुताबिक लश्कर ए तैयबा का एक आतंकी उरी में पकड़ा गया है। इस आतंकी ने अपने 5 साथियों के साथ 18 सितंबर को घुसपैठ की कोशिश की थी। सेना ने जब ललकारा तो फायरिंग शुरू हो गई। इनमें 4 पाकिस्तानी सीमा से फायरिंग कर रहे थे जबकि 2 भारतीय सीमा में दाखिल हो गए थे। सेना के जवानों ने जब ललकारा तो दोनों LOC के पास एक नाले में छिप गए। ये आतंकी उसी इस्लामाबाद नाले में छिपे जिस रास्ते से 5 साल पहले आतंकियों ने उरी के आर्मी कैंप पर हमला किया था। 26 सितंबर को इनमें से एक आतंकी मारा गया जबकि दूसरे ने सरेंडर कर दिया। उसकी पहचान अली बाबर के तौर पर हुई है। उसकी उम्र 19 साल बताई जा रही है और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है। आउट ऑफ दिस 2 टेररिस्ट, 1 टेररिस्ट वाज न्यूट्रलाइज्ड ऑन द मॉर्निंग ऑफ 26th। वंस दिस टेररिस्ट वाज न्यूट्रलाइज्ड, हिज अकम्प्लिस, ही प्लीडेड टू अस फॉर अस टू स्पेयर हिज लाइफ। There was a lot of shouting. He said he asked us to spare his life. As is the ethos and value system of Indian Army, we do not use force, lethal force against any unarmed person. So due precautions were taken and he was taken into own custody. 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक के आज 5 साल पूरे हो चुके हैं। उरी में जो कुछ 10 दिन से हो रहा है उसका लिंक इसी से जुड़ा हुआ है। 18 सितंबर 2016 को उरी आर्मी कैंप पर आतंकी हमला हुआ और उसके 10 दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक। 5 साल बाद आतंकी फिर से हमले की साजिश रच रहे हैं लेकिन उनकी हर साजिश नाकाम हो रही है। LOC पर पिछले 10 दिनों से यूं ही गोलियां गरज रही हैं। पिछले 10 दिनों से शूरवीर उरी सेक्टर में LOC से सटे इलाके में चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे हैं। लंबे लंबे घास, पेड़, गहरे नाले, कहां कोई दुश्मन छिपा हो पता नहीं। 5 साल बाद उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा का आसपास का इलाका फिर अशांत है। 2016 में उरी आर्मी कैंप पर आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के आज 5 साल पूरे हो गए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक की सालगिरह के मौके पर आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। इसकी कोशिश 18 सितंबर को ही शुरू हो गई थी। 18 सितंबर वही तारीख है जब 5 साल पहले 2016 को इस दिन आतंकियों ने उरी आर्मी कैंप पर हमला बोला था। इस आतंकी हमले में 17 सैनिक शहीद हो गए थे। इसी हमले की बरसी पर सीमा पार से आतंकियों ने घुसपैठ की बड़ी कोशिश की थी लेकिन वो नाकाम हो गई थी। लेकिन इसके 5 दिन बाद आतंकियों ने घुसपैठ की एक और बड़ी कोशिश की लेकिन 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं जबकि 2 आतंकी जान बचाकर भागने में कामयाब रहे। 20 सितंबर की सुबह इंडियन आर्मी ने उड़ी सेक्टर में एक ऑपरेशन किया। 5 टेररिस्ट जो के लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने की कोशिश किए गए कर रहे थे उनको यहां पे पकड़ा गया। 3 टेररिस्ट मारे गए थे। हम जो देख रहे हैं इस वक्त वो पाकिस्तान टेरिटरी है, बहुत ही ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है और इसकी वजह से यहां पे जो टेररिस्ट का मूवमेंट होता है उसे पिक करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ये बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंजिंग एक सिनारियो होता है इंडियन आर्मी के लिए और इसी जंगल में एक नाले में 3 टेररिस्ट छुपे हुए थे जहां पे इंडियन आर्मी ने एम्बुश ले की थी। 3 मारे गए, जो 2 और थे उसके बाद मौके से वापस पीछे चले गए। जो ये टेररिस्ट थे हेवली आर्म थे, 5 AK-47 राइफल इनसे बरामद हुई। इसके अलावा 9 AK-47 राइफल उन 2 टेररिस्ट के पास भी थी जो वापस भाग गए। हथियारों का ये जखीरा देखिए, ये हथियार उन्हीं 3 आतंकियों के पास से मिले हैं जिन्हें 23 सितंबर को सरहद के रखवालों ने उरी के पास रामपुर सेक्टर में मार गिराया था। इन हथियारों में शामिल हैं छोटे बटवाली 5 AK-47 राइफल जिसे छिपाना आसान होता है, विस्फोटकों से भरी 9 मैगजीन, 7 पिस्टल और उनके 12 मैगजीन, 1 रिवॉल्वर, 38 चीनी हथगोले, 24 UBGL ग्रेनेड और 7 पाकिस्तानी हैंड ग्रेनेड शामिल हैं। इसके अलावा उनके पास से भारी मात्रा में
पाकिस्तान करेंसी, भारतीय रुपया और खाने पीने का सामान मिला है। 23 तारीख की मॉर्निंग सुबह तकरीबन 6 बजे जो हमारे जवान एलसी पे डिप्लॉयड थे और जो हमारे एम्बुशेस तैनात थे, उन्होंने खबर दी कि 3 हथियारबंद लोग एलसी की तरफ बढ़ रहे हैं। चूंकि वो एलसी क्रॉस कर चुके थे और जो हमारे एम्बुशेस थे उन्होंने उनको चेतावनी दी और वहाँ पे एक फायर फाइट हुई। उस फायर फाइट में 3 टेररिस्ट जो कि हेवली आर्म्ड थे उनको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया। 5 साल बाद पूरी सेक्टर में एलओसी के आसपास का इलाका फिर अशांत है। हालांकि घुसपैठ की कोशिश में 3 आतंकी मारे गए, लेकिन पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है क्योंकि 18 सितंबर और 23 सितंबर के बाद 27 सितंबर को भी घुसपैठ की साजिश नाकाम की जा चुकी है। यानी पाकिस्तान की तरफ से आतंकी घुसपैठ की साजिश लगातार रची जा रही है। समय समय से खबर मिल रही है हायर हेडक्वार्टर से, अथॉरिटीज से, कि पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करेगा हमारे सेक्टर के थ्रू। इसको बचाने के लिए, इसे रोकने के लिए नेसेसरी जो भी काउंटर मेजर्स होते हैं ग्राउंड पे हमने किए हैं, जैसे कि सर्विलेंस ग्रिड को और पुख्ता किया है, मजबूत किया है, साथ ही साथ इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को भी और मजबूत किया है। आतंकियों को मार गिराने में सेना एक रणनीति के तहत काम कर रही है। वो रणनीति क्या है बता रहे हैं उरी ग्राउंड जीरो से आज तक संवाददाता अभिषेक भल्ला। सीज फायर जरूर चल रहा है, लेकिन भारतीय सेना को इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि किसी भी कार्रवाई में ऐसा ना लगे कि सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। यही कारण है कि भारतीय सेना आतंकवादियों को भारत की टेरिटरी में आने दे रहा है और फिर उनको मार गिरा रहा है, ताकि कि बिल्कुल भी इस तरह की सिचुएशन ना हो जैसा कि जिस उसमें लगे कि सीज फायर का वायलेशन हुआ है। कैमरा पर्सन रोफ के साथ एलओसी से अभिषेक भल्ला आज तक। उरी सेक्टर में भारतीय फौज एलओसी पर तैनात है, लगातार चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। देखिए आज तक संवाददाता अभिषेक भल्ला की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आतंकी की है जिसे सेना ने पकड़ा है, जिसने सरेंडर किया है, उसने अपने आर्म्स डाल दिए थे और सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यह साफ हुआ कि नियमों के तहत सेना फायरिंग तब तक नहीं करती जब तक आतंकवादी हथियारों से लैस नहीं होता। अगर एक बार वो सरेंडर की गुहार लगाता है, और यही इस आतंकी ने किया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया गया कि ये पाक आतंकी बाबर दरअसल जिंदा रहना चाहता था, इसने सेना से गुहार लगाई कि उसे जिंदा रहने दे, उसे गोली ना मारी जाए। और इसी पाक आतंकी की तस्वीर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। उरी में यही आतंकी जिंदा पकड़ा गया है। पांच आतंकवादी जो एलओसी पर मारे गए, उनके कब्जे से 7 AK-47 राइफल बरामद की गई है, लेकिन ये जिंदा आतंकी, इसका पकड़ा जाना महत्वपूर्ण क्योंकि इसके हवाले से कई अहम जानकारियां कि कैसे एक बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम दिया जाना था जिसकी प्लानिंग की जा रही थी, क्योंकि 5 साल पूरे हो चुके हैं सर्जिकल स्ट्राइक के और ये आतंकी दरअसल जिंदा पकड़ा गया है। सेना के कब्जे में है ये आतंकी, बाबर इसका नाम बताया जा रहा है, जिसे लश्कर आतंकवादी संगठन है, उसके साथ जोड़कर देखा जा रहा है। घुसपैठ की कोशिश में ये लश्कर आतंकी पकड़ा गया। जो हथियार बरामद हुए हैं वो भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से एक बड़ी घुसपैठ को नाकाम किया है यहां पर सेना ने। कुछ आतंकवादी सीमा पार से फायरिंग कर रहे थे, कुछ हिंदुस्तान की धरती पर दाखिल होने में कामयाब रहे थे और सेना की ओर से अब उन वेपन्स को भी डिस्प्ले किया गया जो उनके पास पाए गए हैं। कई आधुनिक वेपन्स हैं जो सेना ने अपनी पीसी में भी बताया और ये भी कहा कि ये आतंकवादी दरअसल गुहार लगा रहा था कि इसे मारा ना जाए। मंजीत नेगी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, हम तस्वीर देख पा रहे हैं बाबर नामक उस आतंकी की जो कि जिंदा पकड़ा गया है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी चीजें साफ की गई कि सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाली बात वो ये कि अत्याधुनिक हथियारों से ये लैस है, यानी कि एक बड़ी साजिश को यहां पर नाकाम किया सेना ने। बिल्कुल, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद भारत और
पाकिस्तान सेना के बीच सीज फायर का समझौता हुआ था, उसके बाद एक बड़ा ऑपरेशन पिछले कई दिनों से करीब हफ्ते भर से उरी और रामपुर सेक्टर में नया चल रहा था और उसमें सेना को ये कामयाबी मिली। दो दिन पहले भी भारतीय सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया था और आज जीवित जो पाकिस्तान का रहने वाला आतंकी है उसको भारी हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया। तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि पाकिस्तान की कथनी और करनी में कितना फर्क है। दोनों सेनाओं के बीच में सीज फायर को लेकर जो समझौता हुआ उसका वो अब उल्लंघन करने पर उतरा है और खासतौर से क्योंकि अब सर्दियां शुरू होने वाली हैं, उससे पहले इससे पहले की बर्फबारी की वजह से जो रास्ते हैं घुसपैठ के वो बंद हो जाएं। पाकिस्तानी सेना की कोशिश है कि बड़ी संख्या में आतंकियों को भारतीय सरहद में भेजा जाए और खासतौर से वो इलाका जहां पर पहले भी इस तरह की बातें हुई सर्जिकल स्ट्राइक का हम सबको ध्यान है, उरी में जब जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला किया था उसके बाद बड़ा ऑपरेशन वहां पर हुआ, तो उसी इलाके में उरी और रामपुर सेक्टर में ये घुसपैठ की बड़ी कोशिश हुई थी जिसको भारतीय सेना ने नाकाम किया है। साथ ही ये भी कहा गया इस आतंकी के बारे में कि ये हथियार सप्लाई करने आया था। बिल्कुल, क्योंकि जिस संख्या में इनके पास हथियार पकड़े गए हैं नेहा, करीब हथगोलों की अगर बात की जाए तो 100 से ज्यादा हथगोले, उसके अलावा AK-47 राइफल, इसके अलावा दूसरे हथियार, तो ये एक इसका सीधा मतलब यही है कि वो यहाँ पर जो कश्मीर घाटी के अंदर जो स्थानीय आतंकी हैं, जो युवा हैं जिनको भड़काया जाता है, उनको हथियारों की सप्लाई के लिए ये इसकी कोशिश थी कि उन तक ये हथियार पहुंचाए जाए, क्योंकि जिस बड़ी मात्रा में पिछले हफ्ते भर के दौरान अलग अलग जगह पर इस इलाके में भारतीय सेना ने आतंकियों को मार गिराया है, उनके पास न सिर्फ एक आतंकी का एक हथियार नहीं बल्कि कई AK-47 हथगोले और दूसरे घातक हथियार पकड़ेंगे, वो साफ तौर पर दिखाता है कि इस घुसपैठ के पीछे बड़ी वजह सीमा पार से आतंकियों के जरिए जो स्थानीय आतंकी हैं उन तक हथियार पहुंचाना है। और क्योंकि खासतौर से पिछले अगर हम साल भर के समय को देखें और धारा 370 खत्म होने के बाद के समय को देखें तो भारतीय सेना ने जिस तरह से कड़ाई के साथ कश्मीर घाटी के अंदर जो आतंकी मौजूद हैं उनका सफाया किया और सरहद पर पूरी तरह से जो काउंटर टेररिज्म ग्रिड है उसको मजबूत किया, उसकी वजह से हथियार और आतंकियों की आवाजाही खत्म हुई है। इसी यही वजह है कि हमने देखा कि पंजाब के इलाके में भी कोशिशें हुई पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए हथियार भेजने की, तो साफ तौर पर एक तरह इस तरह इशारा करता है कि पाकिस्तानी सेना आतंकी कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से दोबारा जो आतंकी गतिविधियां हैं कश्मीर घाटी में उनको बढ़ाया जाए। कुछ करेंसी भी जब्त की गई है मंजीत, इसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाना था इसके बारे में कोई जानकारी? हमेशा की तरह नेहा, जो हथियारों के साथ पैसे हैं वो भी पाकिस्तानी आतंकियों के पास पकड़े जाते हैं और यही वजह है कि इस बार भी जो आतंकी पिछले हफ्ते भर के दौरान अलग अलग इलाकों में जो ऑपरेशन इस वक्त सेना कर रही है उसमें पकड़े गए हैं और खासतौर से इसमें लश्कर नाम बताना चाहूंगा, लश्कर तैयबा अल बदर की जो आतंकी है उनकी तरफ इशारा है। साफ तौर पर जो आई कार्ड उनसे पकड़े गए हैं वो दिखाते हैं कि वो किस संगठन से जुड़े हुए हैं और इसमें पूरे सेना ने सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि 26 सितंबर से अभी तक और उससे पहले किस तरह से अलग अलग इलाकों से पाकिस्तान से लगने पाकिस्तान के कब्जे वाला जो कश्मीर है वहां से लगने वाला पंजाब प्रांत है वहां से किस तरह से आतंकियों ने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका।